जैसे कि ये दवा हमारी आंखों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट होता है, जैसे कि एक हमारा होता है ये RMD एज रिलेटेड डी मोकलर जनरेशन, ये हमारे रेटिना के डिजीज होता है। इस समस्या में इस दवा का काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस दवा का और क्या उपयोग होता है, किस प्रकार की दिक्कत या फिर किस प्रकार की समस्या रहती है मरीज को, तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है, ये मेडिसिन और किस प्रकार की बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये मेडिसिन लेना कैसे होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। और जैसे कि इस दवा का उपयोग कैटरेट की कंडीशन में डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अगर किसी को कैटरेट की समस्या है या पेशेंट को कैटरेट स्टार्ट हुआ है तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। कैटरेट्स की कंडीशन में ये दवा आँखों के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट दवा होता है, ये दवा डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, मरीज को बताया जाता है लेने के लिए। माइक्लोएडिमा की कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है और इस दवा का उपयोग कैटरेट की समस्या में डॉक्टर ये दवा मरीज को खाने के लिए बताते हैं। जैसे कि जब आँखों में कैटरेट की समस्या हो जाता है, ये सनलाइट की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि जो हमारी आईज होती हैं, जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट जो हमारे पिगमेंट पे जाता है, इसकी वजह से हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और जो इसका यूज है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की समस्या में, ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। ARMD और कैटरेट की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, ये दवा काफ़ी अच्छा होता है, ये दवा डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये दवा हमारी आँखों के लिए एक प्रकार से सप्लीमेंट होता है, यानी आँखों से रिलेटेड अगर किसी को समस्या रहती है तो डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं, इस मेडिसिन का क्या डोज होता है, डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन किस प्रकार से निर्धारित करके खाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है, ये डॉक्टर मरीज की स्थिति और उसके एज और उसके बॉडी वेट के अनुसार इस दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं, लेकिन फिर भी दिन में एक बार ये दवा दूध या पानी के साथ डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं, इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि अगर आप ये दवा ओवरडोज की मात्रा में लेते हैं तब भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर इस दवा का जो साइड इफेक्ट देखा गया है, नोजिया की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद के जैसा महसूस हो सकता है, इसके सिवा और भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये दवा लेने के बाद में कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप जाकर मिलें, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा लें। कभी भी आपको कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेना है।